स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। कहना चाहूंगा मैं सुधांशु पटेल और आप लोग देख रहे हैं अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल का ये एक सच्चा वीडियो अपनी बहनों के लिए। तो कहना चाहूंगा यहाँ पे मोबाइल फोन जो उनको वितरित किए गए हैं उनकी क्या हालत है और उनकी स्टार्टिंग से लेकर के अब तक का जितना सफर बहनों ने इन मोबाइल के चलते तय किया है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या इन चीजों को लेकर के जो फोन दिए गए हैं वो सही हैं या नहीं, इन सभी चीजों के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो कहना चाहूंगा इस वीडियो को पूरा देखना और साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर करना ताकि ये सच्ची खबरें हर एक बहन और समाज में हर लोगों के पास में जाएं कि लोगों को पता चले सरकारें किस तरह से आंगनबाड़ी बहनों का शोषण कर रही हैं। तो कहना चाहूंगा वीडियो को ध्यान से देखना। ये वो फोन है जो आप बहनों को 6 माह में ये जो दम तोड़ चुके हैं, ये काफी पहले समय जो है मिल चुके आंगनबाड़ी बहनों को स्मार्टफोन की हालत अब क्या हो चुकी है और इनमें रिचार्ज को लेकर के भी कई बड़ी बातें कही गई हैं, तो आपको वो भी बताना चाहूंगा। माह आपका जो अगस्त है, जुलाई और अगस्त के माह को लेकर के डाटा प्लान की बातें जो कही गई थी रिपोर्ट के तौर पर, लेटर के तौर पर, तो वो तक वहाँ तक जो है सभी को पता है। लेकिन अक्टूबर के बाद में, यानी कि अगस्त के बाद में सितंबर आपका और अक्टूबर, ये दोनों आप लोगों के पैसों को लेकर के विभाग ने कोई लेटर जारी नहीं किया। पोषण माह की गतिविधियों को ध्यान में देखते हुए अगस्त तक का तो सरकार ने अपना करवा के भेजा, उसके बाद सरकार के पास में 200 रुपये नहीं जेब में निकले कि आंगनबाड़ी बहनों को दिए गए फोन जिनसे सरकार अपना काम करवा रही है, जिनको योजनाओं में संचालित करवा रहे, उसके लिए अपने ही विभाग के लिए अपने इन काम के लिए इन बहनों से ही पैसे घरों से उनके कमाई के वसूले जा रहे हैं। तो कहना चाहूँगा एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे पहले आपको हकीकत बता दूं कि आंगनबाड़ी बहनों को दिए गए स्मार्टफोन, पहली क्वालिटी घटिया उनकी, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इतनी घटिया क्वालिटी के हैं ये। देखिए कई मोबाइल जलकर के हो गए हैं राख। नीतू सिंह बहन है, उन्होंने ये अपना जवाब वगैरह दिया था, अभी सब कुछ बताएंगे, ध्यान रखिए, सब्र करिए। दूसरा सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इन स्मार्टफोन को लेकर के ये अच्छे हैं या बुरे हैं आंगनबाड़ी बहनों को काम को देखते हुए। तो काम बाल विकास विभाग का अगर लिया जाए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस स्मार्टफोन को ध्यान में देखते हुए जो अन्य अन्य जगह के आपके जिलाधिकारी हैं जिलों में, वो सब इनसे जबरदस्ती निर्वाचन आयोग के कामों को भी यहाँ पर सौंप दिया गया और जबरदस्ती करवाया जा रहा है। अब एक स्मार्टफोन ऐसा है जिसमें ना तो दम है इन फोनों में, जो सिंपल काम और चार्जिंग पर लगाते समय ही जल जाते हैं या ब्लास्ट होते हैं। अब आपसे बता दूं, अब ऐसे में जो हमारी अन्य बहनें हैं वो चाहती हैं कि उनको भी फोन मिले, ना मिले बहनों तो ही अच्छा है। मैं रीजन दे रहा हूं क्योंकि ये फोन जब दिए गए थे, एक और सवाल कि तब उन फोनों पर आप लोगों को एक अंगूठा लगवाया गया था, एक लेटर पर, उसमें क्या लिखा है आप लोगों ने शायद बहनों ने पढ़ा भी नहीं होगा, अपने अपने ब्लॉकों में हर बहन नहीं पढ़ती है कि क्या लिखा है, हम किस पर साइन कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए जो निर्देश दिए होते हैं। उसमें साफ तौर पर लिखा था कि अगर स्मार्टफोन खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो पैसे आंगनबाड़ी बहनों के ही जो है अकाउंट से 10,000 रुपये काट लिए जाएंगे, जबकि फोन की लागत जो है जिस जो उनके बॉक्स पर पढ़ करके आई थी वो 7,000 के समथिंग थी, करीब थी कुछ, लेकिन वो 7,000 की कीमत के फोन नहीं है। मैं साफ तौर पर आपको बता दूं, ये कार्बन कंपनी के फोन उत्तर प्रदेश सरकार ने बंटवाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो एकदम घटिया क्वालिटी के बने हैं और थोक में फोन बने हैं, तो इसका मतलब है कंपनियों को टेंडर दिया जाता है, फिर वो अपना कैसा माल यूज करेंगे, माल घटिया यूज हुआ इसीलिए तो जो है मोबाइलों की ये हालत है। आए दिन मोबाइलों की हालत आप देख रहे हैं, जल जाते हैं, ये होता है वो होता है, हमारी बहनें परेशान होती हैं। उसके बाद में अब सवाल उठता है कि इन स्मार्टफोन को लेकर के आखिर सरकार अगर अपनी योजनाओं को संचालित करवाने के लिए कर रही है तो इनमें जो पैसा है जो 200 रुपये और 150 रुपये 250 रुपये जो भी बहनें रिचार्ज करवा रही हैं, क्या वो रिचार्ज का पैसा उनकी जेब में आएगा भी या नहीं। और सबसे बड़ा बात, आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार अपना काम करवा रही है ना, तो सरकार खुद रिचार्ज करवाए, ये एक बहुत ही जरूरी बात हो जाती है। लेकिन हमारी बहनें समझ नहीं रही हैं, वो हर जगह उन पर दबाव भी बनता है इन चीज़ों को लेकर के। अब दबाव आपका तभी बहनों को सक्सेस हो पाएगा जब आप सबकी सब बहनें इसका विरोध करेंगी, तब सरकार रिचार्ज करवा करके खुद भेजेगी। अब आपको एक और मोटे तौर पर बता दूं, आपको मिलते हैं 4,000, मान लीजिए 4,000 मिलते हैं, बहुत जगह भी 4,000 है, ये 5,500 जो है वो आते तो है नहीं, कभी 1,500 नहीं आए, कभी 1,000 नहीं आए, तो उन चीजों को आप अलग रख दीजिए, छोड़ दीजिए। 4,000 में अगर बहने आप जिंदगी जी रही हो तो खुद से सोचिए इन विभाग से आपको क्या मिल रहा है। मैं आपको साफ तौर पर बता रहा हूं,
आपका पैसा जो 200 रुपये से 250 रुपये जो भी आप रिचार्ज में दे रही हो वो आपका जा रहा है, समझ लेना। उसके बाद में लगा करके आप अपने ब्लॉक पर कितना घूमती हैं, कितना आपको बुलाया जाता है, उसका किराया आपके केंद्र से लेकर के आपके यानी कि गांव से, केंद्र से, घर से, कुछ भी बोलें, आपके ब्लॉक तक का किराया कितना होता है जिस साधन से आप जाती हैं, तो कहना चाहूंगा वो भी आपका महीने में कितना खर्च होता है उसको भी आप जोड़ लीजिए। कहीं कहीं का बहुत खत्म हो जाता है, 500-500 तक हो जाता है। तो कहना चाहूंगा इसको भी साइड में रखिए बहुत। जो बहनें बीएलओ का काम जबरदस्ती बहनों से कराया जा रहा है, वो बहनें जो अपने तहसील स्तर पर जाती हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि हर बहन के पास ही में तहसील बनी हो, जो दूर के सफर में जाती है उनका एक बार में ही 100-100 रुपये से ज्यादा खत्म हो जाता है। तो एक बार में अगर जाती हैं तब भी 100 रुपया लग जाता है, और मान लीजिए वो अगर कितनी बार चली जाती हैं महीने में, उनको 2-3 बार भी बुलाया गया या इससे ज़्यादा भी बुलाया जा सकता है, तो उनका पैसा उतना ही और ज़्यादा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 500 तक तो आराम से उनके एक महीने में मान के चलिए वो जाते हैं, और उससे भी बढ़कर के जो फोटो कॉपी, जीराक्स वगैरह ये सब कुछ करवाई जाती है, इतना बोझ रहता है कि आधार कार्ड का काम हो, ये सारे बहुत से काम हैं उनमें, फोटो कॉपी के लिए कितना पैसा आप लोग खर्च करते हैं इसका भी आप हिसाब अगर रखें, एक डायरी बना लें और लिख करके रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि। और 500 रुपये वो रख लीजिए, क्योंकि इसमें बाउचर आउचर तमाम चीज़ें बनती हैं जिसके लिए बहनें इधर उधर घूमती रहती हैं, और इन सब खर्चों को अगर आप जोड़ेंगी तो 2000 के करीब यही सब निकल जाता है इनका, बाकी का आप छोड़ दीजिए। और आपको अभी बताता हूँ, अब रही बात पोषण मेलों की, अभियानों की, जो सरकार अपना प्रचार के लिए चलवा रही है, सरकार क्या कहती है, वो दे तो जनता को कुछ नहीं रही है कि हम जनता को क्या दें, वो उनको देना चाहिए वो दे नहीं रहे, लेकिन वो आंगनबाड़ी एक ऐसा तबका है जिनको उठा करके उनके ऊपर काम का बोझ डाला। अब उनसे कहते हैं कि आप गाँव में घूमिए, घर घर जाइए और घर घर क्या प्रचार करिए कि सरकार योजनाएँ चला रही है, बच्चों को सुपोषित करना है, कुपोषण से बचाना है, इसके लिए देना कुछ नहीं है सरकार को, सरकार सिर्फ ये कहलवाएगी कि आंगनबाड़ी जाएं और बताएं कि भाजपा सरकार ये कर रही है और ये योजनाएं हैं, लेकिन जनता को खाने के लिए जरूरत, कुपोषण कैसे मिटता है जब वो अच्छा खाएंगे और उनके पास बुनियादी सुविधाएं होंगी घर में, तब कुछ गरीबी उनकी मिटेगी। जब गरीबी मिटेगी मेन समस्या है, तभी जाकर के कुपोषण मिटेगा। जब गरीबी नहीं मिट पाएगी तो भुखमरी बनी रहेगी, तो कुपोषण तो ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। तो कहना चाहूंगा सरकार को देना चाहिए, ना कि आंगनबाड़ियों को प्रचार के तौर पर यूज करके जो है गाँव गाँव घुमाएं, घर घर घुमाएं, परेशान करें, और गाँव की जनता जो किशोरी बहनें, जो बेचारी बालिकाओं को पढ़ना चाहिए इस उम्र में, जो किताबों में ध्यान देना चाहिए, उनको साइकिल रैली में लगाया जाता है। सरकार क्या करवा रहे, साइकिल रैली चलाइए, गांव की किशोरियों को घुमाइए, गांव में घूमेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, ये सब कुछ गांव की बहनों के पास, घर घर हमारी बहनें जाती हैं जब, तो उनसे कहती हैं आज ये मनवाना है, आज गोद भराई का कार्यक्रम, आज ये सब कुछ। क्या ये सब चीज़ें करने से आप उनको दे तो कुछ नहीं, 500 रुपये अगर मान लीजिए सरकार कहती है हम दे रहे हैं, तो क्या वो 500 के 500 रुपए आंगनबाड़ी बहनों के खाते में समय पर आते हैं? क्योंकि काम तो सरकार को समय पर चाहिए, ले तो फिर मानदेय भी तो समय पर देना चाहिए, जो चीज़ों का पैसा है मद जारी होता है उसको भी तो समय पर मिलना चाहिए। अब ये दिवाली आपने देखी, अब एक वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से दिवाली फीकी रहेगी। माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी, पिछली साल जो एक साल पूरे हो चुका इसी अक्टूबर के टाइम पैसा बढ़ा था, उन्होंने कहा दिवाली बहनें अपने नए पैसे से मनाएंगी। क्या पूछना चाहता हूँ, भारत देश में हमारे तमाम राज्य हैं जहाँ पर अभी केंद्र सरकार का बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिला, कई जगह दिल्ली जैसे राज्य में जो है पैसा 1500 और कटौती तक हो गई, और ये तो गलती राज्य केजरीवाल सरकार की, ऐसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ सरकार की गलती है, उन्होंने 1500 की कटौती कर दी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, उनकी कमी क्या है? उनका कमी ये है कि उन्होंने कई बार बोला कि हम आंगनबाड़ी बहनों को अपने प्रदेश में सम्मानजनक मानदेय देंगे, अच्छा खासा मानदेय देंगे, बढ़ा देंगे हम अगर सत्ता में आते हैं। वो सत्ता में भी आ गए और उसके बावजूद कई बार रैलियों में बोले कि हम 10,000 आंगनबाड़ी बहनों का पैसा हम कर चुके हैं, ऐसे झूठ बोल करके भी मुख्यमंत्री जी हमारे चले गए। खैर, जनता को लगा कि बाबा जी कह रहे हैं तो आज नहीं तो कल देंगे, क्योंकि साधु संत इंसान कभी झूठ नहीं बोलते। तो उसके बाद में बहनें भरोसा करती नहीं, एक साल तक उम्मीद में बैठी रही कि जो 3 माह की जो कमेटी सरकार बना रही थी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन रिपोर्ट ना आने के बाद एक साल हो चुका, उसके बाद बहनों ने धरना स्टार्ट किया यूनियनों ने उत्तर प्रदेश के, फिर उनकी मेहनत को थोड़ा बल मिला, उनको लगा, फिर मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, उसके बाद में क्या हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई, फिर पैसे बढ़ाए गए 1500। पता चला पहले लोग कहते रहे कि 10,000 से ऊपर तो बाबा जी दे ही देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, 1500 रुपये मिले। वहां पर भी बहनों को चलो लगा कि कुछ तो दिया बाबा जी ने, 1500 ही दिए, लेकिन जब 5-6-10 दिन बाद जो निकल के आया आपका लेटर, मेन लेटर,
लिखित रूप में, क्योंकि बोलने में तो बाबा जी माहिर हैं, आप लोग देख ही चुके कि 10,000 हमने कर दिए, ऐसा वीडियो आपने देखा है कहीं कोरोना वगैरह की जगह पर सब कुछ हुआ था, तो उन चीज़ों को भी देखा। अब ऐसे में बोल कर चले गए तो भरोसा कैसे होता, तो लोगों ने कहा लिखित में चाहिए, लिखित में लेटर जल्द जारी हो तब भरोसा हो। लिख कर के आया तो उसमें लिखा था कि 1500 जो बढ़ा है वो प्रोत्साहन स्वरूप बढ़ा है, यानी कि मानदेय नहीं है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसकी लिमिट है जब तक, और वो भी है कि इसमें जो काम अच्छा करेगा उसी को पैसा मिलेगा। अब एक साल उसके बाद भी बीत गया, मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार के 3 साल बीत गए और आंगनबाड़ी बहनों को सरकार ने जो वादा किया था उसकी हकीकत भी बता रहा हूं, तो वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करना। तो उस वादे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं दिया आंगनबाड़ी बहनों के हाथ में, 3 साल बाद मैं बता रहा हूं, 1500 जो बढ़े वो भी अभी तक जो है किसी भी आंगनबाड़ी बहने के, उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में 4 लाख आंगनबाड़ी बहने हैं जिनके किसी की बहन के हाथ में नहीं आया। क्या मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में एक साल से आंगनबाड़ी बहनों ने जो पैसा जो बढ़ा था 1500 प्रोत्साहन, क्या उसके लिए जो शर्तें थी उस शर्तों के हिसाब से एक भी आंगनबाड़ी बहन ने एक भी जिले में काम नहीं किया जो सरकार और विभाग या बाल विकास उनको उनके खातों में पैसा भेज पाती? तो ये सारी चीजें, और उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले जो बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश की स्वाति सिंह ने भी कहा कि दिवाली पर उनका प्रोत्साहन इतना लेट आप कर रहे हैं, उसको भेजना है, उसको भेजिए आदेश दिया। क्या उस आदेशों का पालन बाल विकास विभाग के में बैठे बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब, ऐसे एक दो सवाल नहीं, हर एक चीज को लेकर के सवाल उठ जाता है, चाहे वो वजन मशीन हो, जो स्टेशनरी का सामान आता है उसको लेकर के बातें हो, क्योंकि शोषण और भ्रष्टाचारी जितनी बाल विकास विभाग में है शायद अन्य विभागों में इससे कम हो, लेकिन पता नहीं है, लेकिन ये तो जानता हूं कि बाल विकास विभाग में जितनी भ्रष्टाचारी चल रहा है और जितनी शोषण चल रही है इन बहनों के ऊपर, तो इसको देखते हुए काफी हमारी बहनें परेशान हैं और आहत हैं। और स्मार्टफोन की जो हकीकतें हैं वो आप समझ गए होंगे सरकार ने इनका क्यों यूज किया, क्योंकि पैसा तो आपको पता है सरकार बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रही है, और मेहनत की बात ये की जाए तो जनता को भी कुछ नहीं देना चाहते, क्योंकि जनता को अगर देना चाहते तो 25,000 होमगार्ड को नहीं हटाते और सैकड़ों क्या लाखों जो प्रेरक थे उनको नहीं हटाते, रोजगार नहीं छीनते, रोजगार छीन रहा है, लोग परेशान हैं, खर्चा तो उनका हो ही रहा है, पढ़ाई लोग कर ही रहे हैं, पैसा तो उनका बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन जॉब और नौकरी किसी को बच्चों को नहीं मिल रही है, जिससे वो तो वो उनके माँ बाप भी परेशान रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं से कैसे जूझेंगे, कौन क्या करेगा, क्योंकि लोग कहते हैं एक शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता के दुख दर्द को समझे और शिक्षा को बढ़ावा दे, ना कि पूजा पाठ को बढ़ावा दे, क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तभी कुछ होगा। इन सब चीज़ों को समझिए, और आगे मैं कहना चाहता हूँ स्मार्टफोन ना मिले तो बेटर है जिन जिलों में नहीं मिले, लेकिन उसके लिए विरोध भी करना होगा, अगर आपको फ़ोन भी नहीं मिलते इन सब चीज़ों को लेकर के, उसके बाद में रिचार्ज तो सरकार करवा नहीं पा रही है, रिचार्ज का पैसा अपनी जेब से हम भर रहे हैं, हो सकता है 5-6 महीने 10 महीने 1 साल बाद रिचार्ज का पैसा अगर आए तो उसमें भी आपके परियोजनाओं पर ब्लॉकों पर बैठे जो भ्रष्टाचारी में लिप्त अधिकारी हैं जिनको हर कदम के लिए पैसा चाहिए, हर एक चीज के लिए चाहिए, तो वहां पर वो पैसों की मांग भी करेंगे, तो हो सकता है आपके ही पैसे जो आप रिचार्ज स्वरूप दे रहे हैं उसमें भी आपको कट करके मिले। ये सारी हकीकतें हैं और ये आगे होने वाले जो कड़वी सच्चाइयां जो आगे आपको देखने को मिलेंगी, आप माने या ना माने, क्योंकि प्रदेश बड़ा है और हर उंगली जो है हाथ की भी बराबर नहीं है, आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इधर उधर ऊपर नीचे होता ही रहेगा, कहीं पर अधिकारी भ्रष्ट हैं, कहीं पर अच्छे हैं, जहां अच्छे हैं वहां पर बहने बेचारी सुखी से अपना काम कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनको 4,000 जो सरकार दे रही है उसमें भी उनको कुछ राहत है, लेकिन इससे उनका परिवार का खर्च नहीं चलता, राहत इसलिए कि वहां पर शोषण नहीं होता है, वहां की ये घटनाएं हैं, लेकिन अक्सर हर जगह शोषण ही शोषण दिख रहा है। तो ये तो कुछ सच्चाइयां हैं, और खास तौर पर ये भी बता दूं रिचार्ज का पैसा सिर्फ हमारे कहने से मैं कह दूं कि नहीं मिल रहा है तो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, आप बहनें तो जानती हैं कि पैसा रिचार्ज का किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में भी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, ये लिखा भी है पैसा भी नहीं आया है रिचार्ज का, आप देख रहे हैं रिचार्ज का पैसे की बात की जा रही है। राज कपूर DPO हैं, उन्होंने भी बताया जिले में 13% मोबाइल खराब होंगे, जो मोबाइल सामान्य तरीके से बताया जा रहा है से खराब हो रहे हैं उनकी केयर हो रही है और रिचार्ज का पैसा भी नहीं। अब 100% में 13% मोबाइल इतनी जल्दी 4-5 महीने में खराब हो गए सरकार के, आप खुद सोचिए। इन सभी टेंडरों को जो कंपनी है आपकी कार्बन,
जो औरा कंपनी जो यानी कि मोबाइल का नाम ये सब कुछ बनवा करके भेजे गए ना, हमारे यूनियनों को चाहिए इस पर क्लेम करें। बिना क्लेम के कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो आए दिन खराब हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, इनको कैसे संभालेंगी बहने अपने हाथों में अगर कल को कुछ हो जाता है। इससे पहले यूनियनों को जागना चाहिए और इसके खिलाफ कंपनी के खिलाफ क्लेम करना चाहिए। अन्यथा जिसको टेंडर दिया गया है घटिया, तो जिसने दिया है उन सब चीज़ों के खिलाफ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये माल कैसा बना, गुणवत्ता में सुधार, और फ़ोन के लिए पैसा कितना आया, बजट कितना था स्मार्टफोन के लिए, करोड़ों में था मैं जानता हूँ, और शायद 1.5 करोड़ के आसपास समथिंग कुछ था कुछ फ़ोनों के लिए, ये आप भी समझ लीजिए ऐसे कुछ था। तो उन सब चीज़ों की अच्छे से जानकारी लें, उसके बाद में कंपनी पर भी क्लेम करें, क्योंकि ये बहनों, और उससे भी जरूरी है कि इसका विरोध करें, अन्यथा बहनों आप जितना सरकार एक साइड से दे रही उतना सब कुछ आपसे ले रही है, विरोध नहीं करेंगी तो ऐसे ही बोझ बढ़ेगा। और फोन बाल विकास विभाग अगर जारी करेगा, काम निर्वाचन आयोग करवाएगा, तो ये कड़वी हकीकतें हैं। बाकी स्मार्टफोन को तो आप जानते हैं, इसमें बता तो दिया गया कि ऑनलाइन व्यवस्था के तहत विगत वर्ष कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित कर मोबाइल से किया गया था लैस, तो लैस किया गया, बढ़िया मोबाइल दिया गया, ये सब कुछ आपने देखा। लेकिन हमारे यूनियनों में भी कई ऐसे हैं, आपने देखा था एक बहन थी वो क्या कह रही थी, राधा रानी पांडे जी, उनका कहना था सरकार ने इतना अच्छा बहनों को फोन दिया है, इतना अच्छा फोन दिया है कि हमारी बहनें सपने में भी नहीं सोच सकती थी, और ये सब चीज़ें इतनी बड़ाई। अब आप खुद सोचिए इनकी मानसिकता क्या होगी, जो न फोन के बारे में जानती हैं, फोन में क्या होता है, कैसे फोन अच्छे होते हैं, क्या होना चाहिए अच्छे फोन के लिए। लेकिन सरकारों की इतनी ज़्यादा बड़ाई मार दी कि मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़िया फोन दे दिया है, हमारी बहनें सपने में भी नहीं सोच सकती थी इतने स्मार्टफोन अच्छे फोन के बारे में। अब ये क्या है, ये यूनियन वाले जो हैं जिन्होंने राधा रानी पांडे जी ने जो कहा था, क्या वो आंगनबाड़ी बहनों के हित में है? खुद सोचिए, ये सरकार की चमचागिरी नहीं तो और क्या है। इन चीज़ों को आप परखिए और समझिए। इसी वजह से हमने आपको कल कहा था, क्योंकि ये जो जानकारी हमने इसको पढ़ करके तो नहीं सुनाया इसमें क्या लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें जो भी लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, जरूरी यह है कि जो मूलभूत जानकारियां हैं जिससे आपको जागरूक होना है और समझना है और सीखना है, वो आपको हमने बता दी। क्योंकि ये पोस्टों में बहुत कुछ निकलता है, अखबारों में बहुत कुछ निकलता है, वो शासन के पक्ष में ही अक्सर निकलता है, कभी कभी बेचारा कोई रिपोर्टर खुल करके बोल पाता है। और यहाँ पर इन चीज़ों को आपने देखा, हर एक चीज़ को आप लोगों के सामने मैं खोल करके रख देता हूँ। तो कहना चाहूँगा, ये जो स्मार्टफोन को लेकर के बातें थी, इस पर हमारी साइमा बहन ने भी कुछ कहा था कि जो है चमचागिरी करने वाले, पहली बात तो यूनियनों को, उनसे लोगों से पहचानिए, उनसे दूर रहिए, और एक अपना अच्छा नेता चुनिए, क्योंकि अगर आपके पास नेता अच्छा नहीं है तो कभी भी आप सही राह पर चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको हमेशा गलत डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपको दोस्तों अगले वीडियो में, अगली बड़ी खबरों के साथ में। स्मार्टफोन की ये सच्चाई जितनी ज़्यादा हो सके आप शेयर करना, और हर एक के पास में पहुँच भी जानी चाहिए।